sensation himself, Abhijit Sawant. हाय अभिजीत जी, कैसे हैं आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर आकर आप सभी से मिलकर एंड नो गेटिंग ऑल नॉलेज फ्रॉम पीपल. अभी गुलशन जी यहाँ पर थे, यू नो काइंड ऑफ अ लेजेंड ही इज, और उन्होंने जिस तरह से अपनी बातें कही, इट वाज वंडरफुल टू यू नो हियर हिम आल्सो. तो ये मेरे लिए भी बहुत सारी चीज़ें, नई नई चीज़ें हैं जो मैं आज आप सबके सामने शेयर कर रहा हूँ. यस सर, अभिजीत जी बोलिए. सो आई एम वेरी हैप्पी बेसिकली, और मुझे बहुत खुशी है इस बात की कि मैं आज माय डिजी वर्ल्ड ऐप पर कनेक्ट हो रहा हूँ लोगों से. और देखिए क्या है, बचपन से हम लोग एक फॉर्मेट में रहे. अब मैं अभी अपनी भी बात करूँ तो मैंने फॉर्मल ट्रेनिंग लेने के लिए बहुत सारे पापड़ बेले या बहुत सारी चीज़ें की, बहुत स्ट्रगल किया. मतलब एक टाइम था जब यू नो मुझे अगर म्यूजिक सीखना था तो हमारे पास इतना इतना मनी सोर्स था नहीं. माय डैड वाज अ बीएमसी स्टाफ, तो वो बीएमसी में एम्प्लॉय थे, तो उसकी वजह से हम लोग इतने ज़्यादा किसी एक टीचर को, म्यूजिकल टीचर को हायर नहीं कर सकते थे. जो और उस टाइम में तो म्यूजिकल टीचर जो है वो बहुत ही एक्सपेंसिव हुआ करते थे, सभी की फीस बहुत ज़्यादा हुआ करती थी. और एक एक नॉर्मल एजुकेशन लेना भी म्यूज़िक का, इट वाज अ टास्क, क्योंकि जहाँ पर भी वो टीचर रहते थे तो जाना पड़ता था. मुझे याद है जब मैं मुझे एक टीचर मिले थे, मेरे जो गुरुजी हैं पंडित भवदीप जयपुर वाले जी, जिनसे मैं गाना सीखा हूँ, वो ऑलमोस्ट 15-20 किलोमीटर दूर रहते थे मेरे घर से. एंड आई यूज़ टू ट्रैवल एवरी डे to just you know learn from him. I used to stay there and learn music jitna ho sake, and bahut sari cheeze maine aisi sikhi khas kar unse jo shayad book mein na ho. So kuch aisi cheeze thi jo hum ek sabhi likha hua nahi rehta, koi technically hum usko explain nahi kar sakte ya log nahi batate, but aisi bahut sari cheeze thi jaise kaise mic ko handle karna hai, कैसे स्टेज पर परफॉर्मेंस करते हुए क्या आपकी सोच होनी चाहिए, किस तरह से हम अपने आप को प्रेजेंट करें लोगों के सामने, ऐसी बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो मुझे वहाँ पर सीखने मिली. आज मैं वही सारा नॉलेज मैं लोगों के साथ बांटने आया हूँ, सारे हमारे स्टूडेंट्स के साथ बांटूंगा, जो लोग भी मुझे सुनेंगे उनके साथ मैं बांटूंगा, क्योंकि टेक्निकल चीज़ें तो लोगों को पता चली जाएगा. आजकल इतने सारे प्लेटफॉर्म हैं और इतनी सारी चीज़ें हैं जहाँ पर आपको टेक्निकली साउंड सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप गूगल कर लीजिए सब कुछ पता चल जाएगा. लेकिन जो एक आदमी का अपना खुद का एक्सपीरियंस होता है, वो खुद का एक्सपीरियंस, वो खुद अपना एक्सपीरियंस कमाते कमाते पाता है, वो अपनी लाइफ में जिस तरह से अपने अपने एक्सपीरियंसेस से गुजरता है, जिस तरह से अपनी चीज़ों से गुजरता है, उसी से वो बड़ा बनता है और उसी से वो अपनी अपनी जर्नी भी आगे बढ़ाता है. और मैंने जो आज तक सीखा है किस तरह से चीज़ों को समझना है, क्योंकि मैं कोई फैमिली से नहीं आता था, मेरे पीछे कोई बैकग्राउंड नहीं था, मैं अपनी अपनी एक ऐसे बहुत ही छोटे से घर में रहता था, और वहाँ से इवन मुझे एक सिंगर के सामने कैसे गाना है ये भी एक्सपीरियंस नहीं था. बट ये आहिस्ता आहिस्ता मुझे समझ में आया किस तरह से अपने आप को अप्रोच करना है, किस तरह से म्यूजिकैलिटी के बारे में समझना है. इन सारी चीज़ों को मैं आहिस्ता